हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सेवेंथ क्लास लेसन थ्री का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे चेंज द विंडोज अपीयरेंस। जैसे वी कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर्स, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, विंडो कलर एंड साउंड एक्सेट्रा। भी हम विंडोज का जो अपीयरेंस है, यानी जो हमें दिखाई देती है उसकी लुक, जो स्टाइल हमें दिखाई देता है, हम उसको चेंज करना चाहते हैं। उसमें क्या क्या होता है भाई? फॉन्ट स्टाइल होते हैं, फॉन्ट कलर होता है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड होती है जो हमें बैकग्राउंड में दिखाई देती है, या उसके कलर्स जो होते हैं उनको चेंज करने की बात है। तो उनको कैसे चेंज करेंगे? तो पहला स्टेप हमारा है यहाँ पर, ओपन द कंट्रोल पैनल एंड क्लिक ऑन अपीयरेंसेज एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन। ठीक है भाई, हमें क्या करना है? ओपन करना है कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल के अंदर हम देखेंगे अपीयरेंसेज और ये पर्सनलाइजेशन हमें दिखाई देगा। यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसके बाद आउट ऑफ ए लिस्ट ऑफ ऑप्शंस क्लिक ऑन पर्सनलाइजेशन ऑप्शन। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? पर्सनलाइजेशन ऑप्शन आएगा, जैसे ये लिखा हुआ है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा? सिलेक्ट द थीम ऑफ योर चॉइस एंड क्लिक टू अप्लाई इट। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज द थीम लिखा हुआ होगा। ठीक है, चेंज द थीम पे हम क्लिक करेंगे, तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद अपनी चॉइस की यहाँ से जब जैसे हम उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे ये आ जाएगी, ऑप्शन खुल जाएंगे। तो इन ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, जिस भी कलर को, जिस भी पिक्चर को आप सिलेक्ट करते हैं उस थीम के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके क्या कर देंगे? अप्लाई और ओके कर देंगे। ठीक है, जैसे अप्लाई ओके करेंगे वो हमारे बैकग्राउंड पे आ जाएगा। आगे चलते हैं, कस्टमाइज द टास्क बार। जो टास्क बार होती है उसको कस्टमाइज करना, यानी कि टास्क बार कौन सी होती है? जो स्टार्ट बटन क्लिक करते हैं हम, जहां से बिल्कुल विंडोज डेस्कटॉप के नीचे एक बार होती है, पट्टी होती है, उसको हम टास्क बार बोलते हैं। जिससे हम किसी भी सॉफ्टवेयर, जो ओपन सॉफ्टवेयर है, उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यू कैन चेंज इट सेटिंग ऑफ द टास्क बार, लेट अस फॉलो दीज स्टेप्स टू कस्टमाइज द टास्क बार। तो टास्क बार को कस्टमाइज करने के लिए इसको कुछ देखते हैं। ओपन द कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे। सेकंड ऑप्शन में हम जाएंगे, क्लिक ऑन द अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या कहता है भी? हमने वही वापस जाना है पर्सनलाइजेशन ऑप्शन पर, और उसके बाद देखेंगे क्लिक ऑन टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू। टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू यहाँ पर आपको दिखाई देगा, में जाकर के नीचे भी खुल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ऊपर था पर्सनलाइजेशन था, डिस्प्ले, डेस्कटॉप गैजेट्स, टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू, यहाँ पर हमने देखना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, क्लिक ऑन टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू, क्लिक ऑन डिजायर्ड ऑप्शन इन द टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। यहां से हम क्या करेंगे भाई? जो ऑप्शन हमारे को चाहिए उन ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारा क्या बचता है? अप्लाई एंड ओके का बचता है। जैसे हमने सेटिंग इसके अंदर, जैसे लॉक द टास्क बार को लॉक कर दिया, कोई इसको मूव ना कर पाए, ऑटो हाइड द टास्क बार। जैसे हम किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करें तो ओपन करने के बाद टास्क बार अपने आप हाइड हो जाए। ठीक है, और उसको बंद करते सॉफ्टवेयर को टास्क बार ऑटोमेटिक आ जाए वहां पर, ऐसे ही यूज की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑटो हाइड द टास्क बार, इफ वी चेक दिस ऑप्शन द टास्क बार डिसअपियर फ्रॉम द विंडो। ठीक है भाई, यदि आप इस ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं तो टास्क बार क्या है वहां से हट जाएगी, हाइड हो जाएगी। उसके बाद है एरोपिक। एरोपिक क्या होता है? जो होता है एरोपिक इज अ यूनिक फीचर ऑफ एमएस विंडोज 7 दैट टर्न्स ऑल ओपन विंडोज टू ट्रांसपेरेंट, अलाउइंग अस टू हैव ए लुक एट अवर डेस्कटॉप एंड सी इट। ठीक है जी, तो ये क्या कहते हैं? एरोपिक जो है ये एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर हम डेस्कटॉप के ऊपर क्या है उसको देखना चाहते हैं, तो एरोपिक पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वहां पर क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, वो आपको दिखाई देगा। इन ऑर्डर टू एक्टिवेट इस फीचर, फीचर को एक्टिवेट करने के लिए हमने क्या करना है? क्लिक करना है कहां पर? क्लिक ऑन द यूज एरोपिक टू प्रीव द डेस्कटॉप ऑप्शन। डेस्कटॉप ऑप्शन के ऊपर आपको एरोपिक ऑप्शन मिलेगा। एरोपिक ऑप्शन होता है, जैसे अगर आप देखोगे जो लास्ट में एक बार होती है जिसको हम टास्क बार बोलते हैं। ठीक है, टास्क बार के ऊपर बिल्कुल लास्ट में कॉर्नर में राइट साइड में यहाँ पे टाइम इंडिकेटर होता है, टाइम दिखाई दिखेगा, साथ में की थोड़ा सा इस तरीके का मिलेगा आपको, ऐसा थोड़ा सा उभरा हुआ ऑप्शन। उस पर जैसे आप क्लिक माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे तो डेस्कटॉप पर जो भी है सभी चीजों को क्या कर देगा, ट्रांसपेरेंट कर देगा, और नीचे आपको सब कुछ दिखाई देगा, जो डेस्कटॉप पे पिक्चर है या आइकॉन्स वगैरह है वो सभी वहां पर आपको डेस्कटॉप पर दिखाई देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये प्रैक्टिकल वर्क है कि आपको ओपन कंट्रोल पैनल एंड ट्राई अदर ऑप्शन इन द अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन कैटेगरी इन द कंट्रोल पैनल। भाई इसको हमने क्या करना है, कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो ऑप्शन उसके अंदर है उनको भी आपको ट्राई करके देखना है।
कॉन्फ़िगरिंग डेट एंड टाइम। अब नेक्स्ट स्टेप जो डेट और टाइम का आता है उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए है, भी आप चेंज करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं चेक करते हैं। द टास्क बार ऑफ द विंडोज 7 कंटेन्स द सिस्टम ट्रे दैट शो द करंट डेट एंड टाइम। एक सिस्टम ट्रे होती है उसके अंदर जो डेट और टाइम को शो करती है, यानी जो टास्क बार पर लास्ट कॉर्नर में होती है, ठीक है। उसके बाद यू कैन मेक चेंज द डेट एंड टाइम। आप जो डेट एंड टाइम जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में है उसको हम चेंज कर सकते हैं। भाई कैसे चेंज कर सकते हैं? ओपन द कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल को ओपन करना है, क्लिक ऑन क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन ऑप्शन, ठीक है। जैसे हमने कंट्रोल पैनल ओपन किया, कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद में यहाँ पर अपीयरेंस जो हम कर रहे थे बार बार, उसके बाद क्लॉक लैंग्वेज में आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा इस तरीके से, जहां से आपने डेट एंड टाइम पर क्लिक करना है। जैसे आप डेट और टाइम पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप आता है आपका, थर्ड स्टेप आ जाएगा ये इस तरह की विंडो आपके सामने खुल करके आ जाएगी। यहाँ से डेट एंड टाइम आपको दिखाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर, तो चेंज करने के लिए एक ऑप्शन आपको दिखा रखा है यहाँ पे, चेंज डेट एंड टाइम, ठीक है बेटा। इस पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते आपके पास ये आ जाएगा सामने फोर डायलॉग बॉक्स। इसमें आपको यहाँ पर डेट दिखाई दे रही होगी और यहाँ पर टाइम दिखाई दे रहा है, घड़ी है और ये टाइम दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप डेट और टाइम को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं? ओके करते हैं। जैसे आपने ओके किया, ओके करते आपके कंप्यूटर सिस्टम की जो डेट और टाइम है वो क्या हो जाएगी, जैसे आपने यहाँ पर मेंशन की है वैसे वहां पर आ जाएगी, ठीक है। अभी कहते हैं इन ऑर्डर टू ओपन द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स क्लिक द क्लॉक ऑन द टास्क बार एंड लेट इट क्लिक चेंज एंड टाइम सेटिंग, ठीक है भाई। अगर आप देखो बेटा ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। अगर आप शॉर्टकट मेथड में जाना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पर जो आपको टाइम दिखाई देता है राइट कॉर्नर में नीचे बॉटम में टास्क बार के ऊपर, उसके ऊपर क्लिक करो या डबल क्लिक करो, उससे ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। इसके खुलने के बाद आप चेंज डेट एंड टाइम पर क्लिक करो, उसके बाद हमारा यानी कि ये दो ऑप्शन हमारे जाने से बच जाते हैं और यहां से हमारा समय बचता है। अब कॉन्फ़िगरिंग माउस, माउस की कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, माउस की सेटिंग्स होती हैं कुछ, जैसे माउस पॉइंटर का टाइप, स्पीड और मूवमेंट, या डबल क्लिक स्पीड एंड पॉइंटर ट्रायल, ठीक है। ये सभी क्या है, सभी को आप चेंज कर सकते हो। क्या क्या चेंज कर सकते हैं? पॉइंटर टाइप, जो आपका पॉइंटर है माउस पॉइंटर जिसको हम कहते हैं, तो भाई आपको देखोगे एक एरो में होता है, ठीक है। तो आप इस एरो शेप को चेंज कर सकते हो। इस एरो शेप को आप जैसे पतला है तो इसको थोड़ा सा और मोटा लेकर आ सकते हैं, ठीक है। मोटी एरो में चेंज हो जाएगा, पतले में करना चाहते पतले में हो जाएगा। किसी और स्टाइल में, मानो आपने कोई कार्टून यहाँ पर बनाना है, मानो हॉर्स की वो देनी है या किसी और चीज की आपने वो देना है, तो वो आप उसके अंदर दे सकते हैं। मानो आप इसको सर्कल के रूप में लेना चाहते हैं, ऐसे सर्कल के रूप में आ जाएगा ये, ठीक है। कोई और जैसे भी आप सेटिंग देना चाहते हैं, जैसा आप करोगे वैसा आपका माउस पॉइंटर हो जाएगा। दूसरा क्या है, स्पीड। माउस पॉइंटर आप कहते हैं सर हमारे माउस की जो है स्पीड बहुत कम है, पॉइंटर बहुत लेट मूव होता है, तो आप स्पीड यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। डबल क्लिकिंग स्पीड, भाई आप जब डबल क्लिक करते हो उसमें इसकी स्पीड कितनी स्पीडली वो काम करे, ये सेटिंग उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। और पॉइंटर ट्रेल को भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वहीं आपको कंट्रोल पैनल के अंदर जाना पड़ेगा, हार्डवेयर एंड साउंड ऑप्शन के अंदर, हार्डवेयर एंड साउंड ऑप्शन के ऊपर, ये आपका हार्डवेयर एंड साउंड ऑप्शन रहा, इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहां पर जैसे आप देखोगे तो ये है डिवाइस, एड ए डिवाइस, एड ए प्रिंटर और नेक्स्ट है आपका माउस। आपने कहां क्लिक करना है? माउस पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप माउस पे क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा इस तरीके का, माउस प्रॉपर्टीज है। इसमें पहला है बटन्स, स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। भाई यदि आपका लेफ्ट बटन, माउस को भी हम ज्यादा काम करते हैं तो लेफ्ट बटन खराब हो जाता है, कई बार काम बहुत कम करता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, भाई माउस ज्यादा पुराना होगा तो मोस्टली हो जाता है कि लेफ्ट बटन काम करना छोड़ दे, तो हम राइट बटन को उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे आप राइट बटन पे, यानी कि आपने माउस प्रॉपर्टीज को ओपन किया, इस स्विच को ऑन कर दिया, जैसे आप इस स्विच को ऑन करके ओके करते हैं, ऑन करते ही एक जो है इसका राइट बटन क्या कर जाएगा, काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, आपने ऑप्शन ऑन कर दिया, ठीक है। तो डू नॉट सेलेक्ट द स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन चेक बॉक्स इफ यू यूज योर माउस विद योर राइट हैंड, ठीक है। अगर आप राइट हैंड से इसको यूज करते हैं, ये यूज किया जाता है, एक तो ऑप्शन हो गया भाई हमारे पास, क्या चीज, क्या ऑप्शन हो गया कि हम हमारा लेफ्ट बटन काम करना छोड़ दे तो हम इसे राइट बटन से काम करा देते हैं। एक क्या होता है, कुछ बच्चे लेफ्ट राइट हैंडेड होते हैं, लेफ्टी होते हैं, सॉरी राइट हैंड तो सभी होते हैं, कुछ बच्चे लेफ्टी होते हैं यानी कि लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, भाई खाना खाते हैं लेफ्ट से करते हैं, गेम खेलते हैं तो लेफ्ट से खेलते हैं, या कोई भी काम करते हैं, लिखने का काम लेफ्ट से करते हैं, तो मोस्टली उनका राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड काम करता है, तो उसके लिए ये स्विच को ऑन किया जाता है, वो लेफ्ट का वाला काम राइट में राइट से करे और राइट वाले काम लेफ्ट वाले से करे, ठीक है। तो इस ऑप्शन को यदि कोई लेफ्टी है तो वो उसका यूज करके अपने माउस को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता है। ओके चलिए आगे चलते हैं।
तो इस ऑप्शन को आपने ऑन नहीं करना है। यदि दोनों दिक्कत है आपके सामने, एक आपका लेफ्ट बटन काम करना छोड़ दे, दूसरा या आप लेफ्टी हो, तब आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे, अदरवाइज ऑप्शन को ऑफ रखें, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है इफ द यूजर मेक यूज ऑफ हिज लेफ्ट हैंड सेलेक्ट द चेक बॉक्स, ठीक है जी, हो गया ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है अभी स्पीड जो है वो स्पीड बहुत कम है सर, तो स्पीड को हम कैसे स्पीड बढ़ाएंगे, तो स्पीड बढ़ाने के लिए बेटा नेक्स्ट ऑप्शन देख, तो ये ऑप्शन था हमारा लेफ्ट बटन को ऑन करने का, ऑफ करने का। अब ये बटन जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो है डबल क्लिकिंग स्पीड, तो यहां से ये स्लो, इधर करोगे तो आप स्लो हो जाएगा, इधर करोगे तो ये क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा, तो आपने इधर करना है। अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो इधर करेंगे, यदि स्पीड बहुत ज्यादा आपसे कंट्रोल नहीं होती तो आप इसको इधर, आप इसको स्लो कर देंगे, ठीक है। मोस्टली आप सेंटर में रखें ताकि जाना तो ज्यादा स्पीड हो ना कम हो। यदि आपका एक्सपीरियंस इतना हो गया काम करते करते आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है तो अपने स्पीड के अपने अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया क्लिक अप्लाई एंड ओके। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है चेंजिंग द पॉइंटर टाइप, पॉइंटर का टाइप चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्लिक ऑन द पॉइंटर टैब। जब भी हमने माउस प्रॉपर्टी जो खोल रखा है तो बटन पे हमने काम कर लिया, नेक्स्ट हमारा होता है पॉइंटर्स का, पॉइंटर को आप ओपन करेंगे तो आपको नीचे दिखाई देंगे यहाँ पर कस्टमाइज, इसको ये स्क्रॉल बार होती है इसको ओपन से करोगे यहाँ पे अलग अलग आपको एक दिखाई देंगे माउस पॉइंटर्स दिखाई देंगे, जिसको आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके अप्लाई और ओके करना है। जैसे आपने अप्लाई ओके कर दिया माउस पॉइंटर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। यदि आपको ये नहीं है, आप दूसरा लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से विंडोज एरो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ब्राउज कर सकते हैं। ब्राउज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये लिस्ट आपको दिखाई देगी, इस लिस्ट में से आप इसको जो स्क्रॉल बार है यहाँ पर देखिए, ये स्क्रॉल बार है, इसको ऊपर से करके देखेंगे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। इसको ऊपर से करेंगे तो यहाँ बहुत सारे एरोज आपको मिलेंगे, एरो के पॉइंटर्स जो है कुछ डिजाइनदार भी मिलते हैं, जैसे कार्टून स्टाइल हमने बताया, जैसे मानो रोबोट का है, जैसे मानो हॉर्स का है, यानी इस तरीके के आपको इसमें पॉइंटर्स मिलने वाले हैं। यानी कि अपने कंप्यूटर को आप अपने अकॉर्डिंग या इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि वाह मेरे को भी कंप्यूटर आता है, ठीक है, तो वहां पर उसको आप दिखा सकते हैं, ठीक है। लो जी, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो इस चैप्टर में आपने करना क्या है, दोबारा से रीड आउट करना है अच्छे से, और एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स और फिलअप्स ये आपको सभी करके देखने हैं। जो कर लें इनको वो मेरे पास इसकी फोटो भेज दें, ठीक है, और नहीं कर पाते तो नेक्स्ट क्लास में इनको आपको कराया जाएगा, ठीक है भाई, और वहां से जब कराया जाए जिन्होंने कर लिया वहां से वो मैच कर लेंगे, ठीक है, धन्यवाद।